सबसे पहले कोषाध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी वार जिन्होंने जितने मत प्राप्त किए उसका ब्यौरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। श्री अर्जुन राणा इनको कुल मत मिले 342, श्री आशीष भारती इनको मिले 163, श्री कांति शरण सिंह कटहर इनको मिले 219, श्री गणेश चंद्र पाठक इनको मिले 408, श्री जगदीश प्रसाद बलोदी इनको मिले 230, श्री टीका प्रसाद डिमरी इनको मिले 330, श्री नरेश बिष्ट इनको मिले 234, श्री भरतमणि नेथानी इनको मिले 253, श्री लक्ष्मण सिंह सजवाण इनको मिले 485। इस प्रकार कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री लक्ष्मण सिंह सगवान जी को विजयी घोषित किया जाता है। तो मंत्री पद के लिए प्रत्याशी हुआ जो मत प्राप्त किए उसका विवरण इस प्रकार से है। श्री चंद्रदीप सिंह बिष्ट इनको मिले कुल 455 मत, श्री जगदीश सिंह बिष्ट इनको मिले 1008 मत, श्री प्रकाश भंडारी इनको मिले 474 मत। इस प्रकार संयुक्त मंत्री पद के लिए श्री जगदीश सिंह बिष्ट जी को विजयी घोषित किया गया। मंत्री पद के लिए जो मत प्राप्त किए हमारे प्रत्याशियों ने, डॉक्टर अंकित जोशी जी को मिले 424 मत, श्रीमती एकता रस्तोगी को मिले 126 मत, श्री गिरीश पनेरू जी को मिले 391 मत, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को मिले 23 मत, श्री बलवंत सिंह नेगी जी को मिले 192 मत, श्री रमेश चंद्र पैनेडी जी को मिले 852 मत, श्री शिव सिंह नेगी जी को मिले 668 मत। इस प्रकार महामंत्री पद हेतु श्री रमेश चंद्र पैनेडी जी को विजयी घोषित किया जाता है। उपाध्यक्ष पद का पहले मैं बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर कृपा सिंह भंडारी जी को मिले 233 मत, डॉक्टर नंदन सिंह पृष्ठ जी को मिले 506 मत, श्री नरेंद्र प्रसाद बंगवाल जी को मिले 513 मत, श्री महेश चंद्र जोशी जी को मिले 257 मत, श्री राजकुमार चौधरी जी को मिले 842 मत, जी को मिले 244 मत, श्री राजकुमार चौधरी जी को उपाध्यक्ष पद हेतु विजयी घोषित किया गया। पद के लिए जिन प्रत्याशियों ने चुनाव निर्वाचन लड़ा था उन्होंने जो मत प्राप्त किए उनका विवरण आपके सामने रख रहा हूँ। श्री मुकेश चंद्र बहुगुणा जी को मिले 121 मत, श्री रविंद्र सिंह राणा जी को मिले 546 मत, श्री राम सिंह चौहान जी को मिले 1549 मत, सोहन सिंह माजीला जी को मिले 472 मत। इस प्रकार अध्यक्ष पद हेतु श्री राम सिंह चौहान जी को विजयी घोषित किया जाता है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ देती हूँ कि विधि और संगठन द्वारा स्थापित राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संगठन की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संगठन के पद अपने पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी शिक्षकों के प्रति
सभी शिक्षकों के प्रति न्याय करूंगा। धन्यवाद सभी प्रत्याशियों को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विमान पत्र सभी विजयी प्रत्याशियों को विमान पत्र दे। एक करके प्लीज। श्री राम सिंह चौहान जी अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्री राम सिंह चौहान जी बताइए, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। राजकुमार सिंह चौधरी जी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी शुभकामनाएं। श्री जगदीश सिंह बेस जी को संयुक्त मंत्री पद के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको भी। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री लक्ष्मण सिंह सरवार जी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो सरवार जी को भी आप बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी को, सभी विजेताओं को और सभी शिक्षक प्रतिनिधियों को बधाई। और आप लोगों ने शांतिपूर्वक इस आयोजन में प्रतिभाग किया और सभी को सफल बनाने के लिए, और जिला कार्यकारिणी ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको भी बधाई। हमारे